मेरी एक बड़ी प्रिय कविता है जिसका शीर्षक है गुस्सा। मैं जानता हूं कि क्यों भरा हुआ है मेरे अंदर इतना गुस्सा, कि क्यों मैं उबल पड़ता हूं जब कुछ लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं मेरी कही हुई सच्चाइयों पर, कि मैं क्यों भंग कर रहा हूं छलों और छेपकों के आधार पर पीढ़ियों की कड़ी मेहनत से गढ़ी गई तथाकथित सांस्कृतिक छवियों को, कि मैं क्यों विचार नहीं करता कि क्रांति का रास्ता अपने ही पुत्रों की चिता पर से होकर गुजरता है। मैं जानता हूं कि कविता एक कला है और मेरी कविताएं बहुत लाउड होती हैं, बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती वे कला के पैमाने पर, फिर भी मैं लिखता हूं और मैं पहुंचता हूं लोगों तक अपने चुपते हुए कड़वे सच के साथ। रहने दो मुझे मेरे गुस्से को मेरे पास, ताकि मैं कह सकूं वह सब कुछ जिसे मैं सच समझता हूं, ताकि क्रांति के यज्ञ में एक संविधा मेरी भी हो। प्रस्तुत है कविता जिसका शीर्षक है दर्शन। दिख अकिंचन भक्तों का भी भक्त बन, कर निस्सीम समर्पण का प्रदर्शन, प्रशस्ति गा हेम को सहला, कर ऐश्वर्य का चरण वंदन, कंधे तलाश सीढ़ियां बना, ऊपर चढ़ फिर कर व्योम का दर्शन। प्रस्तुत है एक कविता जिसका शीर्षक है निराशा। हमने तो तुम्हें चुना था लिखने के लिए जिंदगी की स्लेट पर बड़ी बड़ी इबारतें, अफसोस तुम्हारे हाथ में तो केवल मिटाने वाला डस्टर था। एक बड़ी मासूम सी कविता है जिसका शीर्षक है वजह। कल जब तुम मेरी जिंदगी पर लिखो तो लिखना एक ताजा तरीन गजल की तरह, लिखना कि मैं मरना नहीं चाहती थी। यों तो बहुत सी वजहें थी मेरे पास जीने के लिए, पर उन सब के लिए नहीं, बस एक छोटी सी वजह है जो मेरी उंगली पकड़कर बड़ा होना चाहती है। जो कविता मैं अब प्रस्तुत कर रहा हूं उसका शीर्षक है असंभाव्यता। वे सरकार से डरते भी कैसे, उसके सामने झुकते भी कैसे, कैसे करते समझौते भी, उन्होंने कभी नहीं खाई थी रोटियां सरकार की। कैसे कर लेती समझौते सरकार भी, उसके सामने भी तो प्रश्न था नमक हलाली का। सौदा होता भी तो कैसे होता, पहले के पास पैसे नहीं थे और दूसरा उतारू था नीलामी पर देश की।